What is the difference between a pyranometer and an irradiation sensor? Why in some plants we are using a pyranometer and why in other plants we are using an irradiation sensor? Is there any technical requirement? Kis basis pe hum select karte hain ki hume ek pyranometer chahiye aur ek irradiation sensor chahiye? Guys, the selection between the two is based on data analytics, equipment accuracy, and it is purely a part of solar power plant designing. Guys, if you want a professional certification in solar power plant design, along with electrical systems such as switchgear selection, switchyard, transmission line design, then connect and learn directly from working professionals, industry experts who are already working at national and international platform with a real-time experience. The latest detailed course, software and study material is as per the latest industry standards and current government policies along with upcoming technologies. The lectures can smoothly be covered over live, online or offline classes as per your convenience. Feel free to connect with me over LinkedIn or Instagram for course information and career assistance. यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आप दोनों ही डिवाइस को पायरेनोमीटर बोल सकते हो टेक्निकली, बिकॉज पायरेनोमीटर, पायरेनो इज एक्चुअली अ ग्रीक वर्ड. पायरेओ का मतलब होता है फायर एंड एनो का मतलब होता है स्काई. तो जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इस टर्म को यूज़ कर रही है इन ऑर्डर टू पर्सोनिफाई एन इक्विपमेंट विच कैन मेजर द सोलर रेडिएशन, तो उसको हम पायरेनोमीटर बोलते हैं. अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जस्ट बिकॉज द ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट फॉर पायरेनोमीटर एंड एन इरेडिएशन सेंसर, उसकी वजह से उनका नाम डिफरेंट हो जाता है. दो एट द एंड ऑफ द डे वो दोनों ही आपको सेम डेटा देने वाले हैं, सेम डेटा भी देंगे एंड ऑल्सो दे आर बींग यूज फॉर द सिमिलर एप्लीकेशन एज वेल. द पायरेनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल इफेक्ट. अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोकपल इफेक्ट पढ़ा होगा, सो देर इज अ सैंडविच्ड ऑफ टू डिफरेंट डिसिमिलर मेटल्स और हीट डिफरेंस की वजह से देर इज एन इलेक्ट्रिक करंट उसमें जनरेट हो जाता है, जिसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं अपनी एक मेजरमेंट स्केल से. ठीक है, मेजरमेंट स्केल बोले तो अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, एनालॉग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर करंट पे एक पर्टिकुलर रेडिएशन की वैल्यू हमें मिल रही है. सो हियर द पायरेनोमीटर इज मोर एक्टिंग लाइक a transducer and less of the sensor, you know. Whereas in the condition of silicon based irradiation sensor, वहाँ पे आपको एक monocrystalline single solid cell मिलता है which is in connection, series connection with a shunt resistance. और silicon photovoltaic का technology तो आपको guys मालूम है, whenever there is a light photon falling over it, so electrical current is generated directly. ठीक है, so उसको on a milliamps scale again हम integrate कर लेते हैं अपने SCADA system से, that for a certain amount of milliamps current you will get a certain amount of radiation. It's just like, you know, a kind of CT रेशियो ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म. तो गाइज यहाँ पे मैंने आपके रेफरेंस के लिए एक टेबल बना दी है जहाँ पे आपको एक थर्मोपाइल पायरेनोमीटर दिख रहा है एंड दूसरी तरफ यू हैव द सिलिकॉन इरेडिएशन सेंसर. तो वर्किंग प्रिंसिपल भी दोनों का अलग है. द CMP3 पायरेनोमीटर इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल इफेक्ट, वेयर एज द सिलिकॉन इरेडिएशन सेंसर इज वर्किंग प्रिंसिपल है आपका सिलिकॉन सेल इन कोलैबोरेशन विद अ शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज. अगर आप उसकी स्पेक्ट्रल रेंज भी देखेंगे, द रेंज फॉर विच द सेंसर इज़ यू नो रिस्पॉन्सिव, तो CMP3 पायरेनोमीटर का आपका ऑब्वियसली ज़्यादा है, इट्स 2000 वॉट पर मीटर स्क्वायर. और वहीं आपका सिलिकॉन इरेडिएशन सेंसर बेस्ड का है, इट्स अराउंड 1500 वॉट पर मीटर स्क्वायर. फील्ड ऑफ व्यू, जैसा कि स्पेक्ट्रल रेंज ज़्यादा है तो फील्ड ऑफ व्यू ऑब्वियसली फॉर अ पायरेनोमीटर जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन इज़ मोर एज कम्पेयर टू द सिलिकॉन बेस्ड योर इरेडिएशन सेंसर. आपके पायरेनोमीटर का डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है विच प्रोवाइड्स इट अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कैप्चरिंग द सोलर रेडिएशन. जस्ट बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल डोम अबव द पायरेनोमीटर एंड द वाइट कलर कॉनिकल डोम बिलो द पायरेनोमीटर, द स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ अ पायरेनोमीटर इज वेरी वेरी हाई व्हेन यू कंपेयर इट विद अ सिलिकॉन बेस्ड इरेडिएशन सेंसर. लेंस डोम इस हिसाब से डिजाइन है इन कोलैबोरेशन विद कॉनिकल डोम कि जो भी स्पेक्ट्रल रेंज में डिफ्यूज रेडिएशन साइडवेज से भी आ रहा है वो रिफ्लेक्ट के इसमें कैप्चर हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे. तो होराइजन लेवल पे अगर मान लो आपका सूरज निकल रहा है या डूब रहा है तो डिफ्यूज रेडिएशन भी इस पे फॉल होने के बाद इसके लेंस में कैप्चर हो जाता है गाइस. वेयर एज इन द कंडीशन ऑफ इरेडिएशन सेंसर गाइस, यहाँ पे हमें प्रॉपर स्पेक्ट्रल रेंज नहीं मिलता है क्योंकि जो मोनोक्रिस्टलाइन सेल है वो एकदम इस पे फ्लैट लगा रहता है, तो जो भी डिफ्यूज रेडिएशन साइडवेज से आ रहा होता है वो कहीं ना कहीं पास हो जाता है, इसमें कैप्चर नहीं हो पाता, जस्ट लाइक इट इज गेटिंग कैप्चर्ड इन द पायरेनोमीटर. बहुत जगह गाइस आपने ये सुना होगा कि पायरेनोमीटर से एक एक्यूरेट रीडिंग ऑन अ डेली बेसिस अक्वायर करने के लिए हमको पायरेनोमीटर का ग्लास डेली बेसिस पे साफ करना चाहिए. यस, इट इज करेक्ट.
लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं एक पायरेनोमीटर को इरेडिएशन सेंसर से ऑन अ डेली सॉइलिंग, तो मेरे प्रैक्टिकल एग्जांपल में मैंने ये देखा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल डोम ऑफ द पायरेनोमीटर गेट्स लेस डर्टी बिकॉज ऑफ द डेली सॉइलिंग व्हेन यू कंपेयर इट विथ अ फ्लैट इरेडिएशन सेंसर. क्योंकि इरेडिएशन सेंसर का ग्लास फ्लैट होने की वजह से उसमें रेगुलर सॉइलिंग का भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. जैसे आपके सोलर मॉड्यूल पे डस्ट एक्यूमुलेट होती है, सिमिलर अमाउंट ऑफ डस्ट इज एक्यूमुलेटेड ऑन अ वेरी फास्ट बेसिस ऑन द इरेडिएशन सेंसर व्हेन यू कंपेयर इट विथ अ स्फेरिकल डोम पायरेनोमीटर. So ultimately the selection between these two devices purely depends on the, you know, the design aspects of the plant and the type of accuracy, the type of data analytics you are looking. उसी के basis पे हम select करते हैं guys कि हमें सिर्फ और सिर्फ हम pyranometer से काम चलाएंगे या हमें irradiation sensor से भी काम करना है. ठीक है, वो आपके budget, वो आपके SCADA system, वो आपके data analytics पे चलता है कि आपको अपने plant से कितना accuracy चाहिए, क्या आप देखना चाहते हो, किस हिसाब से. सिर्फ और सिर्फ अगर आप PR देखना चाहते हो या on a daily basis आपके other प्लेटफॉर्म्स है लाइक मिटियोनॉम, सोलर फॉक्स, अदर टाइप्स ऑफ यू नो वेदर फॉरकास्टिंग प्लेटफॉर्म जिसमें आप ये डेटा डाल के एनालिटिक्स देख सकते हो कि ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ कंपैरिजन बेसिस आपका प्लांट कैसा चल रहा है, कैसा पीआर दे रहा है. सो आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आपके लिए क्वाइट इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. तो अगर आपको 1% का भी इस वीडियो में से ज्ञान मिला, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल सस्टेनेबल एवरी डे. अगर आपको सोलर से रिलेटेड और भी अच्छे कूल इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने हैं तो इट्स ऑल अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल. सो डू सब्सक्राइब माई चैनल सस्टेनेबल एवरी डे एंड आई विल कैच यू गाइस इन माई नेक्स्ट व्लॉग. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस.